अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार निकाय चुनाव का नामांकन धीरे धीरे जोर पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें, पूर्णिया जिले के बनमनखी अनुमंडल में भी नामांकन का जोर पकड़ता जा रहा है। नामांकन की अंतिम तारीख 19 है, लेकिन आज डॉक्टर प्रियंका ने सभापति यानी कि मुख्य पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। बता दें, बनमनखी की बेटी के रूप में डॉक्टर प्रियंका खूब नाम कमा चुकी है। पिछले कई महीनों से लगातार गरीब गुरबा की इलाज फ्री में करते आ रही है, विभिन्न जगहों पर कैंप लगा रही है और मुफ्त इलाज उपलब्ध करा रही है। डॉक्टर प्रियंका ने आज मुख्य पार्षद यानी सभापति पद हेतु अपना नामांकन दाखिल किया। हजारों समर्थकों के साथ नामांकन दर्ज करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पिता विजेंद्र चौधरी सामाजिक कार्य करते रहे हैं, निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाते रहे हैं, लोगों के कल्याण में अपनी भागीदारी देते रहे हैं। भजन पूजन हो, पूजा पाठ हो या फिर लोगों की दुख और तकलीफ, हर जगह वह पहुंचकर सेवा करते हैं। नगर निकाय चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए हम सड़कों पर आए हैं। सड़क, स्वास्थ्य, आवास, इस पर मेरी पहली प्राथमिकता होगी। बनमनखी की बेटी डॉक्टर प्रियंका एक बार चुनावी मैदान में उतर चुकी है। समाज सेवा के साथ नगर निकाय चुनाव में किस्मत आजमाने आ रही है। आइए डॉक्टर प्रियंका से हम जानते हैं क्या कुछ कहना चाहती है इस चुनाव को लेकर। क्या कुछ क्या सोचकर चुनाव लड़ रहे हैं आप? सोच तो बस एक है कि स्वास्थ्य के साथ, स्वास्थ्य में तो मेरा योगदान पहले से ही रहा है, स्वास्थ्य के साथ अन्य क्षेत्र में भी मेरा योगदान हो पाए, बस उसी की वजह से। जिस तरह आपके पिता ने समाज का जो योगदान दिया है, आप भी कंधे से कंधे मिलाकर आपने योगदान दिया। क्या कुछ करेंगे नगर परिषद में अगर आप जीत दर्ज करते हैं तो? क्या कुछ करेंगे, शुरुआत तो मैंने पहले भी कहा कि मैं स्वास्थ्य के ही विभाग से शुरुआत करूंगी, वो मेरे हाथ का चीज है, मैं उस वहाँ से शुरुआत करूंगी और जैसे जैसे मुझे जिस जिस क्षेत्र में कमी लगेगी मैं उसमें जरूर से अपना योगदान देने की कोशिश करूंगी। जैसा कि आपने देखा कि क्षेत्र से जब आ रहे थे कई गड्ढे और पानी भी लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा प्रायोरिटी में रहेगा, वो तो हर किसी को दिखता है, हर किसी को उससे परेशानी होती है, तो वो तो प्रायोरिटी में रहेगा ही, लेकिन मेरे पास जब तक अधिकार नहीं होगा तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपने किस पद के लिए आज नामांकन किया है? मुख्य पार्षद के पद। मुख्य पार्षद, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है। क्या कहेंगे, आपकी बेटी इस बार चुनाव मैदान में उतर चुकी है? ये बड़ी गर्व की बात है। क्या कहना चाहेंगे बनमनखी वासियों? त्याग पत्र देखिए, मुख्य पार्षद के लिए चुनाव लड़ रही है, इतना हर व्यक्ति के, हर महिला के दिन में इतना त्याग नहीं हो सकता है। मेरा यही आशीर्वाद रहेगा, खूब सेवा। जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर प्रियंका ने कहा बनमनखी नगर परिषद को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और जो अधूरे काम है उनके उन कामों को पूरा करेंगे। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को मतदान होना है, पहले मतदान फिर जलपान। डॉक्टर प्रियंका पढ़ी लिखी शिक्षित उम्मीदवार है। बता दें कि नगर की नारकीय स्थिति को देखते हुए डॉक्टर प्रियंका चिकित्सा पदाधिकारी होते हुए भी सरकारी पद से इस्तीफा देकर सभापति पद के लिए नामांकन दर्ज कर चुकी है। उन्होंने कहा कि बनमनखी नगर परिषद को स्वच्छ, सुंदर और बेहतर बनाना है, बस जनता का आशीर्वाद चाहिए। निरंतर वे चिकित्सा अधिकारी होने के कारण गरीब गुरबा की निःशुल्क मदद, स्वास्थ्य जाँच और सेवा करते आ रही है। उनके पिता समाज सेवा करते हैं और इन सबको अपने आशीर्वाद के रूप में देखते हुए आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल किया। जनता का भरोसा, गांव के गरीबों का विश्वास और इन्हीं विश्वास को वोटों में बदलने की अब जरूरत आन पड़ी है। यह कहते हुए डॉक्टर प्रियंका कहती है कि इस बार जीत उनकी तय है। अब देखना होगा कि जनता उनके ऊपर कितना भरोसा करती है। जनता का भरोसा और आशीर्वाद पाकर डॉक्टर प्रियंका अगर जीत दर्ज करती है तो क्या कुछ बनमनखी के लिए करती है, ये तमाम चीज़ों और तमाम वोटों के आधार पर तय होगा। आप सोच समझकर अपना वोट दान करें, क्योंकि आपके एक वोट से आपके लिए काम करने वाला निष्पक्ष उम्मीदवार जीत कर आएगा। तो वोट आपका और फैसला भी आपका ही। बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट।
मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए, और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब